हेलो फ्रेंड्स, तो आज आए हम मैत्री गार्डन में और इसके अंदर है बहुत सारे एनिमल्स, पार्क और रेस्टोरेंट टाइप। तो आप देखिएगा और इसका मजा उठाइएगा और अंदर देखिएगा कि कैसे कैसे टाइगर्स हैं और कैसे कैसे एनिमल्स हैं। तो चलिए अंदर। हेलो, हम यहाँ घूमने आए हैं, जानवर देखने आए हैं। अभी छोटे छोटे बच्चों ने आपको बताया कि हम इस वक्त कहाँ हैं। जी हाँ, भिलाई के मैत्री बाग में। मैत्री बाग में आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ है और एक लंबी लाइन यहाँ पर टिकट के लिए लगी हुई है, जिसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी शामिल हैं। यहाँ 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों की जो टिकट है वो खरीदनी पड़ती है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति यहाँ टिकट का जो दर निर्धारित किया गया है वो है 20 रुपये। मैत्री बाग भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा संचालित किया जाता है और यहाँ पर सोमवार को अवकाश रहता है। उस दिन यहाँ की साफ़ सफाई होती है और बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त किया जाता है। मैत्री बाग में एक समय सारणी जो है निर्धारित की गई है, जैसे कि मैत्री बाग जो खुलने का वक्त निर्धारित है वो है 9 से शाम को 6:30 बजे तक। इसमें चिड़ियाघर जो है वो 9 से 6 बजे तक खुलता है, मिनी ट्रेन 11 से 6 बजे तक, म्यूज़िकल फाउंटेन 7 से 7:20 तक। इसके अलावा यहाँ बोटिंग की सुविधा भी है जो 3 बजे से 5:30 बजे तक जिसकी सुविधा प्रदान की जाती है। इस तरह मैत्री बाग काफ़ी लंबे समय से लोगों का, ख़ासतौर पे बच्चों का आकर्षण का केंद्र है और बच्चों के बहाने बड़े भी इस मैत्री बाग में घुस जाते हैं और आने के बाद उन्हें भी ऐसा लगता है कि उन्होंने आकर के अच्छा किया, क्योंकि यहाँ के जो एनिमल्स हैं उन्हें देख करके निश्चित रूप से बहुत खुशी होती है और आमतौर पर तो ये और कहीं देखने को मिलते नहीं हैं। मैत्री बाग में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है मैत्री बाग और यहाँ पर सुविधाएं भी ठीक ठाक हैं, जितना प्रदान किया जा सकता है उतना। यहाँ कार पार्किंग का जो दर निर्धारित है वो 20 रुपये है और आज संडे होने की वजह से मैत्री बाग में काफ़ी भीड़ है और चूंकि कल मंडे है तो कल यहाँ अवकाश रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको जिसका बेसब्री से इंतज़ार है वो घड़ी आ चुकी है और अभी मतलब हम लोग को भी देखना था, मुझे भी देखना था कि अंदर कैसे कैसे एनिमल्स हैं। तो चलिए अंदर देखते हैं और हम तो आ ही गए हैं, तो चलिए फिर। हेलो, हम लोग यहाँ असली का जानवर देखने आए हैं, आप आओगे तो आप आ सकते हैं टिकट लेके, ठीक है, पैसे भी दे सकते हैं। अभी दोपहर के लगभग 3 बज रहे हैं और इस वक्त इन जानवरों का आराम का समय है, शायद धूप भी काफ़ी तेज़ है तो ये सब अभी आराम की मुद्रा में हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सुबह जितना जल्दी आ सकें, जो इसके खुलने का वक्त है उस दौरान, और शाम का वक्त, शायद इस वक्त यदि आएँ तो इन्हें ज़्यादा बेहतर ढंग से करीब से देखा जा सकता है।
मैत्री बाग में बच्चे लगातार इंतज़ार करते रहे कि अब जिराफ दिखेगा, हाथी दिखेगा, जेबरा दिखेगा, लेकिन ये तीनों ही यहाँ दिखाई नहीं दिए। बच्चों में थोड़ी सी निराशा हुई।